लग रहा है कि जब लाखों रुपए जहाँ खर्च हो रहा है वहाँ आप सिंगल लेकर अपने आवेदन तो कर दिया अपने पार्टी कार्यालय में कि मुझे टिकट दीजिए मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जहाँ पैसा है वहाँ सिर्फ आपके आवेदन देने से काम चलेगा क्या? देखिए मैं एक बात बताऊँ कि आज कोई अगर 50,000 1,00,000 2,00,000 रुपया पार्टी तमाम जा करके घूम घूम करके खर्च कर रहे हैं, पैकेट बांट रहे हैं, राहत पैकेट वगैरह बांट करके और अपने आप को मतलब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ का जनसेवक हूँ, तो ये उनके समझ की बात है। जनता इस बात को समझ रही है, पब्लिक इस बात को समझ रही है कि पार्टी संगठन, पार्टी की रैली, पार्टी का धरना, पार्टी का प्रदर्शन, पार्टी संगठन के लिए काम में भी खर्च होता है और उसके लिए पार्टी की तरफ से कोई फंडिंग नहीं होता है। जहाँ तक जो जैसे हो सका है वो हम लोग अपने तौर पर अपने पॉकेट से हम लोग भी करते हैं। अच्छा, 15 की बात हम करेंगे, 2015 में RJD और JDU का गठबंधन था, उसमें जो है उम्मीदवार दिए गए थे जो बहादुरपुर से बिलोंग, मतलब बाहर के कैंडिडेट, और इस बार विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा से ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि इस बार कोई भी पार्टी बाहरी कैंडिडेट को ना दे, ये मांग हर विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र से उठा। तो आपके यहाँ तो बाहरी विधानसभा से रह चुके हैं विधायक, इस बार क्या लग रहा है आपको, तो बाहरी आ जाए चलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी में मैं जब था तो लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ एक उम्मीदवार हरिचंद झा विराजा, वो माननीय रामचंद्र पासवान ने घोषित कर दिया था, सिंगौल दे दिया था, लेकिन मैं पहला आदमी हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में जिन्होंने थोड़ा गाछी में झंडा बुलंद किया था और परिणाम स्वरूप उनको अपनी उनके उम्मीदवार को वापस होना पड़ा था और यहाँ से उसके बाद जो हम लोग 4 लोग थे जिसमें राजविंदर चौधरी थे, हम थे, जमील साहब थे, इजहार साहब थे, लॉटरी के माध्यम से इजहार साहब को सिंगौल मिला। तो हम लोग तो खास करके पहले से ही इस बात के पक्षधर नहीं है कि कोई बाहरी आदमी आकर के हम लोगों का प्रतिनिधित्व करे, चाहे हम लोगों के यहाँ का लंगड़ा हो, विकलांग हो, हम लोगों के यहाँ का जिस टाइप का भी वर्कर हो, अगर किसी वर्कर को सिंबल मिलता है तो वर्कर के पीछे सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ के दुख दर्द को वो यहीं का लोग समझ सकता है, बाहरी लोग नहीं समझ सकता। बाहरी लोग कई बार आकर के यहाँ प्रतिनिधित्व नारायण झा आए थे तो यहाँ से उनको शक्ति मिली थी, चुनाव जीत करके गए थे, लेकिन उन्होंने बेनीपुर को अनुमंडल बनाने का काम किया। मदन सहनी यहाँ से 5 साल उनका पूरा होने के लिए कार्यकाल जा रहा है, बिहार सरकार के मंत्री हैं। मदन सहनी के क्रियाकलाप के बारे में हम क्या आम लोग जो है सो क्या नाम है बताएंगे कि मदन सहनी का क्रियाकलाप क्या है। इसलिए मदन सहनी सहित बाहरी किसी भी उम्मीदवार को यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दे दिया तो अगर दे दिया तो ये उस गठबंधन का मामला है, उस पार्टी का मामला है कि वो उन्हीं को दे दें या दूसरे को दे दें या तीसरे को दे दें। हम लोग अपनी पार्टी में कम से कम इस बात को बताएंगे या अपने गठबंधन में। अच्छा ये बताइए कि चलिए आपको अगर पार्टी दे देती है टिकट तो आपको जनता से वोट चाहिए, जनता आपको वोट क्यों देगी? क्योंकि पिछले बार भी तो देख ही लिए मदन सहनी को, कोई तो कुछ नहीं है, कई जगह पर हमने प्रोग्राम किया, लोग गाली देते हैं, तो कहते हैं भाई आते ही नहीं, सब लोग जानते ही नहीं है विधायक को, तो आप ही दूसरी पार्टी से? नहीं, हम उस पार्टी से नहीं है, मदन सहनी जनता दल यूनाइटेड थे तो वो दोनों ही पार्टी में। हाँ, वो साझा उम्मीदवार थे लेकिन हम लोग उस टाइम में भी राष्ट्रीय जनता दल से थे, वो जनता दल यूनाइटेड से थे, संयोग था कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे में घोषित किया और गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम लोगों को उनकी मदद करनी पड़ी और उनके चुनाव में भी सर्वाधिक वोट हमारे इस पंचायत से, बोराम पंचायत से मदन सहनी को प्राप्त हुआ था। अभी लोकसभा गत लोकसभा चुनाव में भी आपको राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर जो चुनाव लड़ने का मौका मिला था 2700 से ज़्यादा वोट मिला था। मतलब है जनता के साथ चल रहे हैं, पब्लिक के दुख सुख में हम खड़े हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, रोड का मामला हो, सड़क का मामला हो, स्कूल का मामला हो, पुल का मामला हो, लोगों के मतलब जो भी जन समस्या हो उस जन समस्या को लेकर
हम उसका समाधान तो नहीं कर सकते 100%, लेकिन उस आवाज़ को अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला अधिकारी के यहाँ हम उठाते हैं। जिस पार्टी के साथ आपने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो वही पार्टी आपके विरोधी दल में विरोधी हो गए, कैसे हम क्या बोलिएगा, क्या मुद्दा रहेगा आपका? नहीं, जो जिस पार्टी से हम मिलकर के चुनाव लड़े थे वो देखिए कॉमनल फोर्स वर्सेज सेकुलर फ्रंट एक बना था जिसका नाम था महागठबंधन, और जिसमें लालू जी और नीतीश जी ने एक एक सीढ़ी नीचे उतर करके और सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए उन लोगों ने यूनाइट होकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया। अब नीतीश जी क्या किए वो तो भाई जग जाहिर है, उनको तो पलटू राम कहा जाता है, हम तो उन पर कोई कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते। कैसे इस बार तो आपको तो आपके विरोधी दल के हैं, आपके विरोधी खेमा से हैं, तो उनका वीक पॉइंट होगा। देखिए चुनाव क्या प्रहार जो कीजिएगा, कौन से मुद्दे पर प्रहार कीजिएगा? हाँ देखिए, ये मदन सहनी जब से उस चुनाव यहाँ से चुनाव जीत करके गए तब से लेकर के आज तक मदन सहनी की उपस्थिति इस क्षेत्र में 5% नहीं है। एक मदन सहनी का जो क्रियाकलाप है, मदन सहनी का जो वर्क है, मदन सहनी को जो बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते इस पिछड़े क्षेत्र के लिए जो काम करना चाहिए उसमें उनकी दिलचस्पी 2% नहीं रही है। और मदन सहनी तो जनरल बात को तो छोड़ दीजिए, मतलब जो महत्वपूर्ण एक पुल था यहाँ, एक गोराबोराम प्रखंड के कार्यालय को यहाँ आना था, एक किरतपुर प्रखंड के कार्यालय को किरतपुर आना था, एक मतलब ये क्या नाम है बिरोल अनुमंडल का भवन निर्माण होना था, किसी काम को उन्होंने नहीं कराया। और अब वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो डॉक्टर इजहार अहमद जब MLA थे, डॉक्टर इजहार अहमद के समय में जो कुछ भी प्रयास किया गया था और उस प्रयास की सफलता जो अब मिल रही है, कुछ पुल सब बना है, कुछ रोड सब बना है, उस सबको वो अपने मतलब कार्यसूची में ला करके और गिनवा रहे हैं कि हमने ये सबसे बड़ा उपहार गोराबोराम को NH 17 के रूप में मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री दिए हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम मदन सहनी की इसमें कोई भूमिका है ये मानने योग्य बात नहीं है। बुजेश्वर साहू महिषी के पूर्व विधायक, उनके सार्थक प्रयास से ये सफलता मिली। डॉक्टर अब्दुल गफूर पूर्व मंत्री महिषी के प्रयास से ये सफलता मिली, और बाद में अगर कुछ कमी रह गया था तो उसको डॉक्टर इजहारों ने क्या कर, मदन सहनी की कोई भूमिका नहीं। क्या कमी रह गई है गोराबोराम में, क्योंकि इससे पहले इजहार अहमद साहब यहाँ के विधायक रह चुके हैं, फिर मदन सहनी रहे हैं, है ना, क्या कमी रह गई जो आप पूरा कीजिए? बहुत सारी कमी है, दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य बस ये कहना पड़ रहा है कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में एकलौता विधानसभा क्षेत्र गोराबोराम है जो प्रखंड कार्यालय विहीन, और ये किरतपुर प्रखंड का कार्यालय आपके घनश्यामपुर कैंप में चल रहा है, उसके बाद गोराबोराम का जो है वो ओंकार उच्च विद्यालय के छात्रावास में चल रहा है, वो ये अभी जो हाउस बंद हुआ है उसमें माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस मामले पर क्वेश्चन भी असेंबली क्वेश्चन भी किया। उसके बाद आप देख लीजिए कि अल्पसंख्यक छात्रावास में इसमें ओंकार उच्च विद्यालय के छात्रावास में ये चल रहा है, और इसके लिए 24 साल हो गया नोटिफिकेशन काम को दोनों तो चल रहा है ना, मतलब वो तो चला लेकिन आप तो काम चल रहा है प्रखंड कार्यालय नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ नहीं चल रहा है, विरोध में चल रहा है, जीरो नहीं, सुनिए काम चल रहा है क्या, मतलब काम क्या चल रहा है, मतलब ऑफिस चल रहा है नहीं, मतलब बात चल रही है कि आप भाई अपना आपका प्रखंड कार्यालय हो जाएगा? नहीं होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, बाहरी लोग करेंगे आकर के, डॉक्टर इजहार साहब करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, ये लोकल मामला है, ये लोकल लोगों को ही कमर कसना होगा, इसके लिए लोकल लोग ही इसको करेंगे। किसी ने इस पर एक लाइन आज तक किसी मीडिया वाले के सामने या एक चिट्ठी तक लिखने की कोशिश नहीं की है आज तक। तो अभी तो हाल ही में आपके विधायक जो है वर्तमान के, हाल ही में कई रोड का उद्घाटन शिलान्यास किए हैं, हाल ही में किया, वो अपने अच्छी कोष से कुछ छोटा छोटा रोड सब दो चार को जो है सो कहना मैं किए हैं, वैसा तो हम भी आज 300 रोड का शिलान्यास करके आए, उससे क्या होता है, बिहार सरकार के मंत्री हैं और एक विधायक की भूमिका में आप नहीं हैं, पूरे बिहार के लिए आप मंत्री हैं, लेकिन यहाँ तो आप यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद और बहुत विश्वास के साथ आपके लिए आपको लोगों ने जितवा करके भिजवाया था कि हमारा ये काम होगा, हमारा वो काम होगा, लेकिन यहाँ तो काम के नाम पर बिल्कुल जीरो है, रोड का हाल आपने देखा। तो आप कह रहे हैं कि वापस से आप जंगल राज रहिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी आपके जो विरोधी दल के लोग हैं तो यही कहना था, 15 साल पहले आपकी राज थी, जंगल राज था, अब सुशासन बाबू का राज आया है,
नहीं नहीं देखिए जंगल राज कुछ नहीं था, ये सब तो कहने की बात थी। ये दलित पिछड़ा और अकलियतों की राज थी। ये आरएसएस वाले जो हैं वो आरएसएस के गोद में जाकर के माननीय नीतीश कुमार बैठ गए थे, पिछले 17 साल तक आरएसएस के गोद में बैठे हुए थे। ये आरएसएस का जुमला है, जंगल राज कुछ भी नहीं था, फर्स्ट क्लास ये मंगल राज है, मंगल राज चल रहा था। फिर से जो है सो राष्ट्रीय जनता दल की लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आशीर्वाद से माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है वो बिहार चलेगा और विकास की मतलब गति जो है वो और तेज होगी। कैसे कही जाएगा इतना, ये इतनी विश्वास से आप कैसे कह रहे? ये ऐसे कह रहे हैं कि ये जो भी सुशासन बाबू की बात आप कर रहे हैं, ये जो लोग मतलब सुशासन की सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, ये सुशासन बाबू को जितनी भी राशि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली माल हम लोगों का था, हमारे रघुवंश बाबू मर गए बेचारे, मैं उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि देता हूँ। वो ग्रामीण विकास मंत्री थे, वो 2500 करोड़ रुपया बिहार को भेजे। वो तब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, श्रीमती कांति सिंह थी मिनिस्टर, हमारे अली अशरफ फातमी साहब थे मिनिस्टर, असलमुद्दीन साहब जी सेंट्रल में मिनिस्टर थे, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा थे, मतलब लालू प्रसाद यादव खुद स्वयं रेल मंत्री थे। तो आप लोग जान रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। चलिए आप काम गिनवा रहे हैं, हम वोट पे आते हैं, जनता को वोट कैसे मिलेगा? आप सिर्फ नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ भी एक पार्टी है, पता है ना आपको? हाँ, बीजेपी। बीजेपी का बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, उसके सामने आपका मुद्दा चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा, हम उसके सामने ही तो पिछला इलेक्शन हम चुनाव जीत करके आए। अभी बिहार में उपचुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद जो 5 सीट पर चुनाव हुआ है उसमें भी तो बीजेपी और जदयू एक होकर के चुनाव लड़ी थी। आपने परिणाम देखा है? परिणाम देखा है? ऐसा छुपा हुआ नहीं है, हमने 3 सीट पर जीत हासिल किया है। 1 सीट जो है सो कनवा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिला है, 1 इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके गए हैं और 1 सीट वो भी हम तो अभी चुनाव का समय है बहुत कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नाथनगर सीट पर किस तरह की जीत हुई है जनता दल यूनाइटेड की, उस जीत के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री की जी की जो है सो कहना है समझिए मोच बची है, ये तो मोच कट ही जाने वाली। भाजपा का जो राष्ट्रीय मुद्दा है, बोलेंगे हमने 3 तलाक जो है मतलब बिल बना दिया, कानून बना दिया 3 तलाक का, राम मंदिर निर्माण करवा रहे हैं, धारा 370 हटा दिया, तमाम मुद्दा जो है भाजपा का है, तो आएंगे ना यहाँ रैली करेंगे, लोगों को कहेंगे ना? बिल्कुल कहेंगे। तो उस जगह पर आपका मुद्दा चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, हम तो देखिए कि उनके 370 को हटा देने से 3 तलाक के मुद्दे पर, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले पर, आप देख लीजिए कि जो भी समान विचारधारा वाले लोग हैं वो एक भी आदमी कम से कम उस बात से इत्तफाक नहीं रखते हैं कि उन्होंने सही किया। अब रही बात ये कि अपनी दफली है, अपना राग है, अपने हाथ में कलम है, अपने हाथ में डंटा है, जिधर घुमाना है कलम को, जिधर चलाना है डंटा को चला सकते हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है, जनता इस बात को जानती है और जनता पर इस बार जनता किसी भी भूल भुलैया में आने वाली नहीं है। कहाँ गया उनका 15 लाख रुपया जनधन योजना का, कहाँ गया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लंबा लंबा घोषणा था, 1.25 लाख करोड़, 1 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1.25 लाख करोड़, दरभंगा में दरभंगा में एम्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो विकास नहीं है। अच्छा ये आप जरा सा अपने ठंडे दिल से आप सोच लीजिए कि क्या दरभंगा का एम्स या पटना का एम्स का इनका बैन, वो तो कह रहे हैं ढिंडोरा तो बीच में। आप समझ रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को नहीं, वो तो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं वो बताना। नहीं, हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये मनमोहन सिंह की पहली सरकार मतलब UPA 1 के टाइम में जो ये निर्णय हुआ था, उस निर्णय का ये परिणाम है कि बिहार में ये DMCH के DMCH में जो है वो एम्स और पटना में एम्स, ये मतलब UPA 1 के गवर्नमेंट के समय में जो डिसीजन लिया गया था उसी को अमली जमा पहने। एयरपोर्ट एयरपोर्ट तो भाजपा का देन दरभंगा। हाँ हाँ बिल्कुल भाजपा का देन, कैसे होगा क्यों होगा ये हमारे समझ में नहीं आता। आप भी हवाई यात्रा कीजिएगा नवंबर से, पता है आपको? हाँ मालूम है हमको, ठीक है ये चालू हो रहा है, लेकिन क्या एयरपोर्ट तो पहले से था नहीं? बताइए, दरभंगा में एयरपोर्ट था ना कि नहीं था? उसी को चालू करवाया। हाँ उसको चालू करवाया जा रहा है, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ बहुत, भाजपा वोट मांगेगी। हाँ नहीं ठीक है, वो भाजपा वोट मांगेगी, भाजपा के पास जो कार्यसूची होगा उसके आधार पर वोट मांगेगी, लेकिन आप बताइए कि आज हम लोग जो छोटे छोटे थे दरभंगा में पढ़ते थे
आइकॉन सिनेमा के नज़दीक गफूर मंजिल में, तो हम लोग हवाई अड्डा घूमने के लिए जाते थे। ये हवाई अड्डा आज बन नहीं गया है, 40 साल पहले हवाई अड्डा बना, लेकिन वो हवाई अड्डा जो है वो फौजियों के लिए था, वो हवाई अड्डा जो है वो आम जन को समर्पित नहीं था। हम गए थे वहाँ, मतलब देखे हैं जा करके। आप मानते हैं भाजपा आम जन को समर्पित कर रही है? नहीं, भाजपा नहीं कर रही, भाजपा नहीं कर रही, वो भारत सरकार कर रही, भाजपा नहीं कर रही। भाजपा को क्यों दे रहे हैं? चलिए अंतिम सवाल है मेरा, आपको अगर टिकट मिल जाता है महागठबंधन से, तो आप जो वोट मांगेगा तो वो कौन से मुद्दे होंगे? स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दा होगा, कमला बलान नदी पर पुल का निर्माण, गोराबोरम प्रखंड के कार्यालय को अधिसूचित स्थान पर लाने का काम, फिरतपुर प्रखंड के कार्यालय को अपने स्थान पर लाने का काम, तमाम प्रखंड में जहां भी शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है, जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जो का बाजार गर्म है, जो क्या नाम है, ये जो आंगनबाड़ी की केंद्र सब है, तमाम पंचायतों में, तमाम जगहों पर, 3400 पंचायत की बात कर रहे हैं, वहाँ सब जो जो गड़बड़ी है, जो रोड सड़क की समस्याएं हैं, जो बिजली की समस्याएं हैं, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम जनता के बीच आपसी भाईचारा, सामाजिक एकता, सामाजिक अखंडता को लेकर के हम जाएंगे जनता के बीच। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संचालन साहब।